हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपक सूद और आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। इससे पहले हमने सीखा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं। देन वी मूव्ड ऑन टू प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है? जैसा नाम से पता चलता है, प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूदा, कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जो अभी चल रहा है। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस वो होता है जहाँ पे हम बात करते हैं किसी ऐसे काम की, किसी ऐसी चीज़ की जो अभी चल रही है, विच इज़ स्टिल ऑन गोइंग और इन प्रोग्रेस। अभी पूरी नहीं हुई है, बट इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन, राइट? एग्जाम्पल्स देखते हैं। आप क्या कर रहे हो? मैं खाना खा रहा हूँ, मैं अभी भी खा रहा हूँ, ख़त्म नहीं हुआ है। समीर स्कूल जा रहा है। दीपा ऑटो वाले से लड़ रही है। मैं आइल्स की तैयारी कर रहा हूँ। सो इसको आइडेंटिफाई बड़ा इजीली हम कर सकते हैं जिन भी हिंदी वाक्यों के पीछे रहा है, रहे हैं या रही है आता है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है। आइए इसके रूल्स सीख लेते हैं। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब आ जाती है इज, एम, आर, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लगाएंगे ing, राइट? सो एम कहाँ लगेगा, इज कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा, वो देख लेते हैं। जब भी सब्जेक्ट आई से स्टार्ट होगा तो एम लगेगा, आई यानी मैं। जब भी हम सेकंड पर्सन यानी यू से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो आर लगेगा। अगर हम या सब्जेक्ट एक से ज़्यादा होंगे यानी कि प्लूरल की बात करेंगे तो भी हेल्पिंग वर्ब आर यूज होगा। लास्ट केस, जब भी हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करेंगे यानी के एक बंदे की बात करेंगे या एक चीज की बात करेंगे तो हम इज यूज करेंगे। चलिए एग्जांपल्स के साथ सीखते हैं ये। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर आइल्स, यहां पे मैंने आई यूज किया है तो आई के साथ हमेशा लगेगा एम, और प्रिपेयर के साथ हमने वर्ब के साथ ing ऐड कर दिया है। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर आइल्स। नेक्स्ट इज राम इज प्रिपेयरिंग फॉर आइल्स। हम किसी एक लड़के की बात कर रहे हैं जिसका नाम है राम, तो ये थर्ड पर्सन हो गया, इसके साथ लगेगा इज, राम इज प्रिपेयरिंग फॉर आइल्स। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आइल्स, यू सेकेंड पर्सन होता है और हमें पता है यू के से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट हमारा यू है तो आर लगेगा। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आइल्स। दे आर प्रिपेयरिंग फॉर आइल्स, अब इसमें दे है, दे मीन्स कि हम एक से ज़्यादा बंदों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आर लगेगा। नेक्स्ट एग्जांपल इज डिप्रेशन इज किलिंग हिम, यहाँ पे हम किसी इमोशन की बात कर रहे हैं, किसी एक फीलिंग की बात कर रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन हो जाएगा, तो डिप्रेशन इज किलिंग हिम, यहाँ पे इज आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम किसी चीज़ के लिए मना करते हैं उनकी बात कर लेते हैं। बहुत इजी है, सारा कुछ सेम रहेगा, बस जो हेल्पिंग वर्ब हैं इज, एम, आर उनके साथ नॉट ऐड हो जाएगा। लाइक राम इज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर आइल्स, आई एम नॉट कमिंग टू द इंग्लिश क्लास टुडे। सो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं इज, एम, आर, उनके साथ सिंपली हमने नॉट ऐड कर देना है। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं। सिंपल रूल होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का, आपने जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सेंटेंस के शुरू में लगा देना है, ठीक है? जैसे इज राम प्रिपेयरिंग फॉर आइल्स, आर यू इन्वाइटिंग मी टू द पार्टी। अगर नॉर्मल सेंटेंसेस होते तो ये होता राम इज प्रिपेयरिंग फॉर आइल्स। अभी इसको हमने इंटेरोगेटिव बनाया, प्रश्न पूछा तो हमने हेल्पिंग वर्ब इज को उठाया और सेंटेंस के स्टार्ट में लगा दिया। इज राम प्रिपेयरिंग फॉर आइल्स, आर यू इनवाइटिंग मी टू द पार्टी, राइट? सो नेक्स्ट आइए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि हमें सारे रूल्स क्लियर हो जाएं। इसके इजी हैं। मैं ऊपर जा रहा हूँ, भगवान के पास नहीं, ऊपर की मंजिल पर। आई एम गोइंग अपस्टेयर्स, आई है तो एम लगेगा। शीना डिनर पे जा रही है, शीना इज गोइंग फॉर डिनर। शीना एक लड़की है तो थर्ड पर्सन हो गया तो इसके साथ इज लगेगा। आप क्या कर रहे हो?
What are you doing? You के साथ are लगना है. मेरे दोस्त कसौल जा रहे हैं. My friends are going to कसौल. दोस्त मेरे एक से ज़्यादा दोस्तों की बात हो रही है तो are लगेगा. मैं उसकी मदद कर रहा हूँ. I am helping him. I है तो am लग गया. हरीश पार्टी पे नहीं आ रहा है. हरीश is not coming to the party. हेल्पिंग वर्ब इज़ लगेगा क्योंकि एक लड़के हरीश की बात हो रही है थर्ड पर्सन एंड इज़ के साथ नॉट लग गया क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है. क्या आप मेहनत कर रहे हो? क्वेश्चन पूछा है तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगेगा. आर यू वर्किंग हार्ड? क्वेश्चन मार्क. तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाया है वो सब में सेम रहेगा और हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे इज एम और आर. ठीक है तो आगे आपके लिए मैंने कुछ एक एक्सरसाइज बनाई है इसका आप आंसर्स करें. प्रैक्टिस से यू विल बी परफेक्ट. सो और लिख के अगर हम करेंगे तो हमें चीज़ें याद रहती हैं तो इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस करें. इसके बाद में आप इसकी पिक्चर खींच के आंसर्स की यू कैन सेंड इट टू मी ऑन माई कॉन्टैक्ट नंबर. आप व्हाट्सएप कर दो आप ईमेल कर दो आई विल रिप्लाई यू बैक विद द करेक्ट आंसर्स. और जहाँ पर भी आपको क्लैरिटी चाहिए होगी आई विल हेल्प यू विद दैट. I hope it has helped or it will help in the future. Thank you so much. Thank you for giving your precious time. Hope to see you in the next video again. Bye-bye.